हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोग कैलकुलस में असिम्प्टोट्स दिख रहे हैं और यहाँ पे मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज दे रखा है आपको असिम्प्टोट्स का। तो देखिए, ये बहुत सिंपल है और इसी तरह का एग्ज़ाम में आता है, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगा, राइट। बट फिर भी असिम्प्टोट्स कैसे फाइंड आउट होता है, होता क्या है, और जो सम स्पेशल फॉर्म्स ऑफ कर्व हैं जिससे असिम्प्टोट्स विद इन द मिनट निकल जाता है, ये सारे आइडियाज़ आपको आने चाहिए। तो वो सब मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको करा दिया है, तो डेफिनेटली आपने उसको अच्छा से किया है। तो अब ये जो एमसीक्यू है ना, इसको आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। वीडियो पॉज कीजिए, आपसे बनने वाला है, राइट। देखते हैं कैसे आप लोग कर रहे हैं इसको, तो वन बाय वन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। मैंने क्या लिखा है, शॉर्ट में लिखा है WOTF, इसका मतलब होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ रियल असिम्प्टोट ऑफ दिस कर्व। ओके, तो ये आपको यहाँ पे कर्व दे रखा है 6y³ - yx² - xy+2x² - 3=0। तो बोलता है कि इसमें कौन, इसमें से एक रियल असिम्प्टोट है, राइट। जैसे अब हम लोग देखेंगे तो x=0 दे रखा है, यानी ये y एक्सिस है, y=0 दे रखा है, यानी ये x एक्सिस है, ये आपका y=2 यानी पैरेलल टू x एक्सिस, x=3 पैरेलल टू y एक्सिस। यानी यहाँ पर हमको जो सिंपल कॉन्सेप्ट चाहिए वो ये कि पैरेलल टू एक्सिसेज असिम्प्टोट कैसे पता करते हैं, राइट। और ये बहुत ही सिंपल होता है, पैरेलल टू एक्सिसेज असिम्प्टोट को फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे हम लोग पैरेलल असिम्प्टोट कैसे निकालते हैं, इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आपको पैरेलल टू एक्सिसेज असिम्प्टोट निकालना है, तो आप बारी बारी से एक बार x का कोएफिशिएंट, x का जो हाईएस्ट पावर है, x का जो हाईएस्ट पावर टर्म है उसका कोएफिशिएंट, और जो y का हाईएस्ट पावर टर्म है उसका कोएफिशिएंट को 0 से इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो y में जो हाईएस्ट पावर टर्म है वो क्या है, वो है आपका ये 6y³, ठीक है, और आपका 6 इसका कोएफिशिएंट है, 6 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी ये कोएफिशिएंट आपका कोई भी पैरेलल असिम्प्टोट नहीं देने वाला। यानी अगर मैं बात करूँ तो पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस हमको कोई असिम्प्टोट नहीं मिलेगा, नो असिम्प्टोट, कोई असिम्प्टोट आपको नहीं मिलता है जो क्या है, जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, ठीक है। तो देखिए, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे देखिए, पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं मिल रहा, यानी पहला ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो गया, ठीक है, ये आपका डिस्कार्ड, ये नहीं हो सकता, राइट। फिर आपका पैरेलल टू वाई एक्सिस x=3 ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या था, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो चूंकि पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं मिल रहा है, तो वाई एक्सिस कहाँ से मिलेगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो दो ऑप्शन तो आपका डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़िए, अब हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस देखेंगे। तो उसके लिए जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो यही वाला है, x का स्क्वायर वाला है, ठीक है। तो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, इन दोनों को कंबाइन कर लीजिए, तो टर्म आपका आ जाएगा 2-yx², ठीक है। ये आपका हाईएस्ट डिग्री, ये आपका टर्म है विथ हाईएस्ट पावर इन x, x का हाईएस्ट पावर 2 है इस पूरे में, ठीक है। तो उसका जो टर्म है वो ये पूरा बन रहा है, तो कोएफिशिएंट सिर्फ आपका ये होगा 2-y=0। तो यहाँ से आपको y=2 आ रहा है, दैट मीन्स आपको एक पैरेलल असिम्प्टोट मिल रहा है, राइट। पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमको एक असिम्प्टोट मिल रहा है, रियल असिम्प्टोट, और वो क्या है, वो है आपका y=2, ठीक है। तो y=2 ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। इस तरीके से बनाना है, बहुत मुश्किल नहीं होता है, राइट। बहुत मज़ा आ रहा है आपको। आइए फर्दर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग अगेन इज नॉट, ध्यान दीजिएगा, इज नॉट द रियल असिम्प्टोट। बोलता है कि इनमें से कौन जो है आपका रियल असिम्प्टोट नहीं है फॉर दिस कर्व, ठीक है, इस कर्व के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा ना, तो यहाँ पे आपको y=x मतलब कि आपको रेडियल लाइन दिया हुआ है, y=2x - 3x - x। खैर, पहले हम कर्व को देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप कर्व को देखोगे ना, तो देखिए ये आपका, ये जो है पूरा, ये आपका कितना है, ये आपका 3 डिग्री कर्व है, ठीक है, ये आपका 3 डिग्री टर्म है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका है 1 डिग्री, ठीक है। अच्छे से देखिए, तो मैंने आपको बताया है कि ये है आपका 3 डिग्री, ये है आपका 1 डिग्री, तो गैप कितना हो गया, तो गैप हो गया आपका 2 डिग्री का, ठीक है। और अगर 2 डिग्री का गैप हो, तो सिंपली क्या होता है कि अगर पी के पास में है ना, चूँकि इसी पोर्शन से आपको असिम्प्टोट मिलेगा, अगर इसके पास में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो डायरेक्टली वहाँ से असिम्प्टोट मिल जाएगा। चूँकि स्पेशल फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ा था कि डायरेक्टली जो असिम्प्टोट है वो एक ही जगह से मिलता है, जब 2 डिग्री का गैप हो
ठीक है, और इसके पास में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो, तो इसका लीनियर फैक्टर पता करना काफ़ी ज़रूरी है, राइट। अब उसका मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ कि आप कैसे बहुत जल्दी फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इसका फाइंड आउट करना है क्या, लीनियर फैक्टर, ठीक है। तो मैं देखिए यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसका देखिए तरीका ये है ना कि आप वाई को रख दीजिए एम और एक्स को रख दीजिए वन, ठीक है, बहुत जल्दी बन जाएगा। क्या आ जाएगा देखिए, ये आपका आ जाएगा एम क्यूब माइनस सिक्स एम स्क्वायर प्लस एलेवन एम और माइनस सिक्स, ये आता है, यही आ रहा है, ठीक है। x के प्लेस में वन रखने से, y के प्लेस में m रखने से, इसको आप ले लीजिए थोड़ी देर के लिए जीरो, जीरो लेंगे तो जल्दी बन जाएगा, ठीक है, जीरो ले लेते हैं। अच्छा ये देखिए क्यूबिक इक्वेशन है, इसका एक रूट क्या है, m इक्वल टू वन दिख रहा है हम लोगों को, वन इसका एक रूट है चूँकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ से आप बहुत जल्दी सिंथेटिक डिवीज़न अप्लाई कर दीजिए, कोएफिशिएंट क्या है, वन है माइनस सिक्स एलेवन माइनस सिक्स, ठीक है, सिंथेटिक डिवीज़न करेंगे तो वन जीरो से स्टार्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, फिर यहाँ पे आपका वन आएगा, फिर वन माइनस फाइव, फिर ये आपका चला जाएगा माइनस फाइव, सो इट इज़ सिक्स, फिर यहाँ पे आ जाएगा सिक्स, सो इट इज़ ज़ीरो, राइट। तो हमको जो नेक्स्ट फैक्टर मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो सिंपली यहाँ पे एम लगा दीजिए तो एम स्क्वायर माइनस यहाँ पे फाइव एम प्लस सिक्स, ये हमको मिलता है जो है हमारा नेक्स्ट फैक्टर, ओके। तो ये आपको मिल गया, अच्छा इसके बाद तो यहाँ से इसका हम फैक्टर कर लेते हैं, यहाँ से हमको क्या क्या मिलेगा, ठीक है, एक तो आपको m इक्वल टू वन मिला था और यहाँ से आप फैक्टर करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा फैक्टराइजेशन सिंपली m माइनस टू एंड m माइनस थ्री, राइट, इससे आपका ये फैक्टर हो गया। तो अब तीनों फैक्टर हमको मिल गए, एक तो m माइनस वन है, ठीक है, एक है m माइनस टू, एक है m माइनस थ्री। अब वापस आप m के प्लेस में y और 1 के प्लेस में x रख दीजिए तो फैक्टर क्या क्या आ गया, तो फैक्टर आपका आ जाएगा y माइनस एक्स इसका, ठीक है, इसका आ जाएगा आपका y माइनस टू एक्स और इसका आपका आ जाएगा y माइनस थ्री एक्स। तो फैक्टराइजेशन देखिए इसका हम लोगों ने कर लिया, और तीनों क्या है देखिए अलग अलग है, नॉन रिपीटेड है, नॉन रिपीटेड है, टू डिग्री का गैप है, यानी आपको तीनों से डायरेक्टली एजम्पटोट मिल जाएगा। इसको आप जीरो करेंगे तो y इक्वल टू एक्स मिल जाएगा, इसको जीरो करेंगे तो y इक्वल टू टू एक्स मिल जाएगा, इसको जीरो करेंगे तो y इक्वल टू थ्री एक्स मिल जाएगा। और चूंकि ये तीन डिग्री कर्व है, ये आपका थ्री डिग्री कर्व है और आपको ऑल थ्री एजम्पटोट यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब है कि चौथा एजम्पटोट पॉसिबल नहीं है। तो ये तो है पॉसिबल, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, आपसे नॉट पूछा था तो नॉट के लिए ये आपका डी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो गया, राइट, ये हमारा डी नंबर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। कितना जल्दी देखिए, बहुत फास्ट आप कर सकते हो, मैं तो आपको समझा रहा हूँ ना, विद इन द मिनट आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ रियल एजम्पटोट ऑफ दिस कर्व, अब आपको ये दे रखा है यहाँ पे, राइट, ठीक है, इसके लिए बोलता है कौन सा एक रियल एजम्पटोट होगा। देखिए देख करके ही इसको आप बना सकते हैं, कैसे, यहाँ पे क्वेश्चन फिर उसी तरह का है आपको लग रहा होगा, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है आपका पूरा, ये आपका पूरा थ्री डिग्री है, देख रहे हैं ना, क्योंकि इसमें तीन फैक्टर है तो ये आपका थ्री डिग्री है। अच्छा ये आप देखोगे तो ये आपका क्या है, ये आपका पूरा टू डिग्री है, ठीक है, तो जो गैप है वो आपका वन ही डिग्री का है, दो डिग्री का गैप नहीं है। तो अगर वन डिग्री का गैप है तो आपको क्या करे मिलेगा, वनली आपको पैरेलल एजम्पटोट मिलेगा, डायरेक्ट एजम्पटोट तो कभी नहीं मिलेगा, यानी एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, यानी ये कभी एजम्पटोट नहीं हो सकता, ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो यानी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, ये कभी एजम्पटोट नहीं हो सकता, ठीक है। x प्लस थ्री वाई इक्वल टू जीरो, ये भी कभी एजम्पटोट नहीं हो सकता, तो यानी ये सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, देखते ही करेक्ट हो जाएगा कि यही हो सकता है, ठीक है। अब मैं इसको आपको कंफर्म भी कर देता हूँ, ऑप्शन तो आपने टिक कर लिया क्योंकि ये तीनों पॉसिबल थे नहीं, तो यही हो सकता है। अब अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हो तो पैरेलल एजम्पटोट निकालने का तरीका क्या है, x प्लस थ्री वाई के डायरेक्शन में निकालेंगे, ठीक है, चूँकि यही वाला करेक्ट है, तो x प्लस थ्री वाई के डायरेक्शन में निकालेंगे तो क्या होगा, बाकी को उधर ले जाइएगा तो माइनस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाई इसमें से ये आपका हट जाएगा तो ये दोनों बचेगा, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे किस में निकालना है, इन डायरेक्शन, डायरेक्शन आपका क्या है, तो हमारा जो डायरेक्शन है वो इसी के पैरेलल में मिलेगा, यानी आपका x प्लस थ्री वाई इक्वल टू जीरो के डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है। यहाँ से मैं x को क्या लिख सकता हूँ, माइनस थ्री वाई लिख सकता हूँ, राइट, और कब मिलता है, जब x और y दोनों आपका क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, x भी इन्फिनिटी होना चाहिए और y भी इन्फिनिटी, चूँकि एजम्पटोट क्या होता है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे टेंजेंट होता है, ठीक है।
ये। तो अब देखिए, तो यहाँ पे बहुत इजीली हो जाएगा। कैसे करेंगे, लिमिट लगा देता हूँ मैं, सिर्फ y टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा देता हूँ, ठीक है, और सारे x को चेंज कर देता हूँ माइनस थ्री वाई से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नाइन वाई स्क्वायर, ये आपका माइनस थ्री वाई रखेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा आपका सिक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे तो थ्री वाई स्क्वायर ही है ये, और डिवाइडेड बाई ई वाई स्क्वायर, राइट। नीचे में आपका एक्स स्क्वायर के जहाँ पे आप रखेंगे तो आ जाएगा नाइन वाई स्क्वायर, और माइनस नीचे में आपका आ जा रहा है एट वाई स्क्वायर, राइट, ठीक है। अब ऊपर में देखिए क्या आ रहा है, तो ऊपर में देखेंगे तो नौ और छः पंद्रह, पंद्रह और तीन अट्ठारह, ठीक है। तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जा रहा है एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है, माइनस में 18 बटा का 8, चूँकि देखिए वाई स्क्वायर तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस 18 बाई 8, यानी आप ये आपका हो गया माइनस 9 बाई 4, इसको आप इधर ले आओगे तो प्लस 9 बाई 4, देखिए कन्फर्म हो जा रहा है कि यही एजम्पटोट है। तो एजम्पटोट्स का क्वेश्चन इसी तरह का आता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो मैंने कुछ एग्जाम में जहाँ पर पूछा गया है वहाँ से मैंने इसको निकाला था, तो डेफिनेटली इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है ना, तो एजम्पटोट का क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं होने वाला है, कॉन्सेप्ट बेस्ड आता है तो आपको सारे पता होने चाहिए, खासकर जो इसका स्पीड, जो इसका टूल है एक पैरेलल टू एक्सिसेज वाला जो यहाँ पे यूज़ हुआ डेफिनेटली, फिर जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ऑफ डिफरेंट कर्व, ठीक है, जिसमें एजम्पटोट बहुत जल्दी आपको इलिमिनेट हो जाता है, तो वो वाला, तो ये सब अगर आपको करोगे ना तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगा। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है, तो आई होप कोई अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और रेगुलर वे में अगर आप मेरे कोर्सेज को बाई करना चाहते हो तो आपको एप्लीकेशन का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट, वहाँ से आप उसको बाई कर सकते हो। टेलीग्राम में डेली क्वेश्चन चल रहे हैं, टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा, PGT CSAR जिसकी भी तैयारी करना चाहते हो ना, तैयारी करो, डेफिनेटली बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं आपसे, जरूर क्वेश्चन में जरूर आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।